हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं गूगल शीट के इस वीडियो में। और आज की वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में हम एक न्यू फंक्शन बनाना सीखेंगे। फंक्शन बनाना मैंने आपको पहले भी सिखाया है, एक अलग तरह का फंक्शन हम बनाएंगे। तो कर्सर को यहां पर रखा है मैंने, अब हमें कहां जाना है, टूल्स पे जाना है। और टूल्स पे जाने के बाद यहां पर देख रहे हैं स्क्रिप्ट एडिटर आपको दिखाई पड़ेगा, तो यहीं पर आपको कर देना है क्लिक। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह के विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहां पर हमें करना क्या है, यहां पर देख सकते हैं फंक्शन माई फंक्शन लिखा हुआ है, तो यहां पर हम खुद का फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो ये माई फंक्शन की जगह यहां पर मैं क्या कर देता हूं, यहां पर मैं कर देता हूं क्यूब। ठीक है, क्यूब नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, और इसके बीच में ये दोनों जो ब्रैकेट है इसके बीच में देंगे इनपुट। तो ये इनपुट लिख दिया हमने और ब्रैकेट को ओपन किया और फिर नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहां पर क्या देना है आपको, रिटर्न। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है ये और यहां पर देंगे इनपुट। ठीक है, और इनपुट देने के बाद यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 गुना ये करके दे देगा हमें। ठीक है, अब इसको सेव करने की बारी है तो यहां पर जाकर के इसको सेव भी कर लीजिए। तो ये सेव हो गया। ठीक है, और अब इस फंक्शन का नाम हमने क्या दिया है, क्यूब। ठीक है, तो अब चलते हैं गूगल शीट पर। तो ये आ गए गूगल शीट पर। अब इक्वल्स टू का निशान लगाया, अब यहां पे क्यूब टाइप करते हैं, CUB। यहां पर नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अब हमें क्या करना है, इसको यूज करके देखना है। ठीक है, तो 3 का तिगुना कितना होता है जरा देखिए आप, 3 का 3 गुना होता है 9। ठीक है, अब यहां पर आता हूं, फिर इस फंक्शन को यूज करता हूं, इज इक्वल टू क्यूब। ठीक है, क्यूब लगाया हमने और फिर यहां पर 2 का तिगुना कितना होता है ये बता देगा। ये देखिए 2 का तिगुना होता है 6, 2 × 3 = 6, तो ये 6 आ गया। ठीक है, इसी तरह से कुछ और भी कैलकुलेट करना हो, आपको पता करना हो कि 3 गुना कितना होता है किसी भी संख्या का, तो यहां पे आप लिखिए 5 और 5 का 3 गुना कितना होता है, तो यहां पर वो चीजें आ जाएंगी। तो देख सकते हैं 5 का तिगुना यानी 5, 5, 10, 5, 15, यानी कि 3 टाइम्स इसका करेंगे तो 15 आएगा, यानी कि 5, 5, 5 3 टाइम ऐड करिएगा तो 15 आएगा। तो ये 3 टाइम ऐड करने वाला फंक्शन हमने बनाया है और इसे हमने नाम दे दिया है क्यूब। ठीक है, अब फिर इसको एक बार और यूज करते हैं क्यूब और फिर यहां पे करता हूं 10, तो 10 का 3 टाइम्स अगर करेंगे तो 30 आएगा और यहां पर देख सकते हैं रिजल्ट भी हमारा 30 आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से कोई और भी फंक्शन आप अगर बनाना चाहते हैं तो यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, टूल्स पे जाइए, स्क्रिप्ट एडिटर पे जाइए और यहां पर वो फंक्शन आप बना सकते हैं।